माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू केकेजे ट्यूटोरियल पॉइंट। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने केकेजे ट्यूटोरियल पॉइंट में। स्टूडेंट, हम आज बात करने जा रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में। फ्रेंड्स, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 12th क्लास के सिलेबस के लिए बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और ये देखिए, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे और बहुत आसानी से आप देख लेंगे कि किस तरह से फास्फोरस के ऑक्सी एसिड जो है, बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पर, ठीक है। देखिए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करते हैं तो किस तरह से होते हैं। तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे तो आप यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, देखेंगे कैसे है। ठीक है, ऑक्सी एसिड देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से है। तो देखो, सबसे पहले आप यहां पर एक चीज ध्यान दो कि यदि मैं फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। ठीक है, H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक एसिड में से यदि एक हाइड्रोजन आप कम करते हो, ठीक है, तो क्या बनता है, H3PO3। ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या नाम देंगे, फास्फोरस एसिड। ठीक है, फास्फोरस एसिड से एक हाइड्रोजन और कम कर दो तो क्या बनेगा, यहां देखो H3PO2, हाइपोफास्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा फ्रेंड, हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, और यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, H3PO5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी मोनो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यदि इसमें से फास्फोरिक एसिड में से आप एक जल का अणु हटाते हो, ठीक है, एक जल का अणु हटाते हो फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या बनेगा, फास्फोरिक एसिड एक जल का अणु हटाओगे तो क्या बनेगा, H3PO3। ठीक है, और HPO3 को मेटा फास्फोरिक एसिड बोलेंगे। क्या नाम बोलेंगे, मेटा फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इस चीज को मैं स्ट्रक्चर के रूप में थोड़ा सा डिले कर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं फास्फोरिक एसिड का तो कैसा बनेगा, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, फास्फोरस ए फास्फोरिक एसिड, क्लियर है। और इसमें से क्या था, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या बनेगा, PO HOH, क्लियर है। अब इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दें तो क्या बनेगा, यदि इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, बहुत आसान है, इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे होगा कि नहीं, ठीक है। अब इसमें से जल का अणु हटा देंगे इसके लिए, तो फास्फोरिक एसिड में जल का अणु हटाएंगे फ्रेंड्स तो कैसा दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। ये अब इसमें बात करते हैं ये पर ऑक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड में, ठीक है, पर ऑक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड में क्या होगा, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा, किस तरह से होगा, इसको देखते हैं।
इसके लिए देखते हैं। ऐसे आ रहा समझ में? ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, यदि फास्फोरिक एसिड दो अणु लेंगे फास्फोरिक एसिड का और उसमें से एक जल अणु घटाएंगे तो पायरोफास्फोरिक एसिड बनेगा। आ रहा समझ में कि फास्फोरिक एसिड का दो अणु लेना है, यहां पर दो अणु, टू मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड, ठीक है, टू मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड करने का मतलब एक साथ ले लो तो यहां पर क्या बनेगा, पायरो फास्फोरिक एसिड। कैसे आइए देखते हैं, इसकी बात करें तो यहां पर दो अणु लेते हैं फास्फोरिक एसिड का, पीओ ओएच ओएच ओएच, दो अणु लेना है ना इस तरह से। अब इसमें से जल का अणु हटाना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है फ्रेंड्स, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो यहां से, ठीक है, क्या बचा देखो क्या बना, पीओ ओएच ओएच, यहां से क्या बचा है, ओ पी ओ ओएच ओएच, इसका नाम है पायरो फास्फोरिक एसिड। आ रहे समझ में? और पायरो फास्फोरिक एसिड बना फ्रेंड्स, तो पायरो फास्फोरिक एसिड ये हो गया, पायरो फास्फोरस एसिड की बात करें तो फास्फोरस एसिड का दो अणु लेंगे और जल का अणु माइनस करेंगे जल का अणु, तो पायरो फास्फोरस एसिड बनेगा। आ रहे समझ में? इस तरह से हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि फास्फोरस के कितने ऑक्सी एसिड कौन कौन से बन रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप बता सकते हैं आसानी से। अब इसमें से देखो, इसमें से एक फास्फोरिक क्या है, पायरोफास्फोरिक एसिड, अब पायरोफास्फोरिक एसिड से फिर से एक ऑक्सीजन की कमी करते हो, एक ऑक्सीजन इसमें से कम कर देते हो, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो क्या बनेगा फ्रेंड, एक ऑक्सीजन कम करते हो तो क्या होगा, पीओ एच OH, O, O, OH, OH, इस तरह से बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफास्फोरिक एसिड, हाइपो फास्फोरिक एसिड। आ रहे समझ में? तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसके आधार पर हम लोग बेसिसिटी बताएंगे, किसी भी एसिड का बेसिसिटी आसानी से बता सकते हो फ्रेंड्स। अब इसको मैं स्ट्रक्चर के रूप में बना दिया हूं, अब इसको ना फॉर्मूला के रूप में मैं शो करता हूं। एस ए यहां पर कौन कौन सा है, पहला हम लोग यदि देखें फास्फोरिक एसिड देखते हैं, फर्स्ट वन क्या है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड कौन सा है आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो सर्कल कर रहा हूं ये फर्स्ट वन, ये मैं फास्फोरिक एसिड लिखा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4, यही है ना, H3PO4। अब इसमें बेसिसिटी की बात करता हूं फ्रेंड्स, बेसिसिटी इसकी क्षारीयता कितनी है, कितने बेस है, 1 2 3, बेसिसिटी कितना है, 3, ठीक है, 3 बेसिसिटी हो गया, ठीक है। सेकेंड ही फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड फ्रेंड, फास्फोरस एसिड में क्या होता है, H3PO3, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें बेसिसिटी कितना हो जाएगा फास्फोरस एसिड में, ये देखिए कितना है, 2, 1 और 2, टोटल कितना है बेसिसिटी, 2 है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपो हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफास्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO2, H3PO2, इसकी बेसिसिटी कितना है फ्रेंड्स, 1, OH कितने हैं, 1, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। फोर्थ वन इज ये है
पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड एसिड, ठीक है। तो पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड, क्या फॉर्मूला है? H3PO5। इसमें बेसिसिटी कितना है फ्रेंड? 1, 2, 3, 3, ठीक। नेक्स्ट वन इज क्या बच गया इधर, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? HPO3, मेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3। कितने बेसिसिटी है इसमें फ्रेंड? एक भी नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, सिक्स नंबर इस क्या होगा? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला यहां पर या इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड? आइए देखते हैं कितने हैं हाइड्रोजन, यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है। ये चीजें है ना पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, यही तो है, यही है ना। कितने हाइड्रोजन है? H कितना है? 1, 2, 3, 4। H फोर। P कितना है? 2। O कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। H4P2O7। H4P2O7। इसमें बेसिसिटी कितना है फ्रेंड? 1, 2, 3, 4। बेसिसिटी कितना है? 4 है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। इस तरह से नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में क्या हो रहा है फ्रेंड? एक ऑक्सीजन की क्या हो रही? कमी हो रही है। एक ऑक्सीजन की कमी यहां पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? H4P2O6, ठीक है। H4P2O6, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यहां पर नोट कर देंगे हम लोग हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड है कि नहीं? H4P2O6। इसकी बेसिसिटी कितनी? 1, 2, 3। बेसिसिटी 3। तो इस तरह से हम लोग फास्फोरस की ऑक्सी एसिड देखे फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि फास्फोरस की ऑक्सी एसिड की बात करें तो कौन कौन से होंगे। तो फास्फोरस की ऑक्सी एसिड में फ्रेंड्स पहला है फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO4। सेकेंड है फॉस्फोरस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3। एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फॉस्फोरस में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, फॉस्फोरिक में एक ऑक्सीजन अधिक होती है। फिर एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है H3PO2। पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एड कर देंगे तो पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड होता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है कि जब फॉस्फोरिक एसिड से एक जल काणु हटाएंगे तो वहां पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन है ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। जब फॉस्फोरिक एसिड का दो अणु लेंगे उसमें से एक जल काणु बाहर करेंगे तो वहां पर क्या होगा? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। नेक्स्ट है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन की कमी करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O6 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके आधार पर बेसिसिटी क्षारकता देखते हैं, त्रिक्षारीय, द्विक्षारीय, एकक्षारीय, त्रिक्षारीय, ठीक है, चतुर्क्षारीय, इस तरह से त्रिक्षारीय बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड कौन कौन से हैं, इसके नाम बताइए और इसकी स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी बेसिसिटी की भी बताइए। तो फ्रेंड्स आपको ये चीजें समझ में आ गई कि ऑक्सी एसिड फास्फोरस के कौन कौन से हैं, ऑक्सी एसिड और फास्फोरस, ठीक है। इसको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। क्या जो है वीडियो आपको अच्छे समझ में आया है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे आप फिर से जो है पूछ सकते हैं कि ये चीजें हमको नहीं समझ में आया तो हम उसको आपको फिर से समझा देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, आपको समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और इससे पहले वाले वीडियो की बात करें तो जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना फ्रेंड, हमारे आइकॉन पे जो है मिल जाएंगे और उसके थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है फ्रेंड्स? अच्छा चल रहा है ना, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।
बाय बाय।